छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह के छत्तीसगढ़ आगमन पर होटल ग्रैंड इंपीरिया में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर भारत के गौरव विजेंदर सिंह को सम्मानित किया। गौरतलब है कि ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से वे उनका स्वागत करते हैं। विदेशी धरती में परचम लहराना सबके लिए हमारे लिए गर्व की बात है, ये विजेंद्र सिंह ने कर दिखाया है। महासचिव होरा ने आगे ये भी कहा कि विजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात करने के लिए रायपुर पहुँचे थे। इसकी जानकारी मिलने पर विजेंद्र सिंह को सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ के खेल संघ के पदाधिकारियों से मिलकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके प्रयास से ऐसे हीरे छत्तीसगढ़ की जनता को देखने मिल रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे बॉक्सिंग खिलाड़ियों का हौसला अफजाई होगा। नवंबर माह में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्दी ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ये सब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयास से संभव होने की बातें महासचिव होरा ने कही। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के लिए माहौल अनुकूल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुकाबले के लिए सहमति दे दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण होरा ने विजेंद्र सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। सम्मान समारोह में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, हरिभूमि और INS के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी, ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड अनिल पुसतकर समेत अन्य खेल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत माता की बहुत ही गर्व का अनुभूति जब तिरंगा लहराता है विदेश की धरती पे और ओलंपियन में ओलंपिक पदक लेने वाले ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल लिया। मैं चाहूंगा तालियों से विजेंद्र सिंह का सम्मान करूं। हमारे छोटे से आग्रह पे उनके विनम्रता का एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने आए थे, सौजन्य मुलाकात थी और हमको पता चला ओलंपिक संघ को कि वो आ रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हम लोग उनका सम्मान भी करना चाहते हैं, इस धरती पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनका छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ जो कि खेलों का प्रतिनिधित्व करता है, 30 खेल जो हमारे एफिलेटेड हैं, नॉन एफिलेटेड खेल भी हैं, खेल विभाग और हम सब उनका यहाँ पे सम्मान करना चाहते हैं। बड़ी विनम्रता से उन्होंने छोटे से आग्रह को स्वीकार किया, उसमें हमारे चिन्मय तिवारी जी का बहुत बड़ा सहयोग है जो उनको लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे खेल संघों की ओर से, पूरी रायपुर की जनता की ओर से, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, पूरे 2.5 करोड़ 3 करोड़ नागरिकों की ओर से और ओलंपिक संघ की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे युवा विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव जी जो कि भिलाई प्रवास पर निकल चुके थे, मैंने कहा भाई साहब मेरे को सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए, रस्ते से वापस आए मेरे आग्रह पे, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में खेल संघ के पदाधिकारी जो कि खेलों को बहुत आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, हमारे छोटे से आग्रह पे उपस्थित हुए शॉर्ट टाइम में मैं सभी का उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं हिमांशु द्विवेदी जी का विशेष रूप से आभारी हूँ जो आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पे उपस्थित हुए और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि 2-3 मिनट का परिचय है मेरा विजेंद्र सिंह के बारे साथ में, पर उनकी जो विनम्रता है, जो सहृदयता है और जो खेलों के प्रति रुझान है, ये कुछ छत्तीसगढ़ को भी देना चाहते हैं और इनसे हमको बहुत सहयोग मिलेगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल का जो हीरो को तराश के हमारे छत्तीसगढ़ पे लाते हैं और हम लोगों से रूबरू होते हैं, ये हम मुख्यमंत्री जी कई देर बाद तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। और उनके आगमन का उत्साह
शॉर्ट नोटिस में इतने सारे स्पोर्ट्समैन यहाँ पर उपस्थित हैं, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हम सब बेहद खुश हैं आपको छत्तीसगढ़ में पाकर, रायपुर में पाकर, हमारे बीच में पाकर। छत्तीसगढ़ भारत के पटल में स्पोर्ट्स में निरंतर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाता जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत सबसे आगे रहे हैं शुरुआत से, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम बहुत पीछे हैं। हम इम्प्रूविंग हैं सभी स्पोर्ट्स में। हमारे प्लेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश की लीडरशिप, आदरणीय भूपेश बघेल जी का बहुत दिल से धन्यवाद आभार करूंगा, क्योंकि उनके बनने के बाद जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोशन मिला है, कभी तीरंदाज की तीर कमान पकड़कर वो खुद तीरंदाजी के छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, तो ऐसे लीडरशिप का मैं आभार करूंगा। दूसरा, ओलंपिक संघ में हमारे आदरणीय बड़े भाई गुरचरण होरा जी का बहुत आभार करूंगा, क्योंकि वो निरंतर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ओलंपिक संघ जितने भी हैं जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स के संघ, उनको एम्पावर करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और ये उनकी निरंतर प्रयास है जिससे लगातार ओलंपिक का, स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्समैन का, कोचेस का नाम बढ़ रहा है। तो मैं गुरचरण भैया को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हिमांशु भैया भी बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं, सबका आभार, और विजेंद्र जी का खूब सारा अभिनंदन। मैं बस यही कहूँगा, आप इस बार आए हैं जो स्पोर्ट्समैन और कोचेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ओलंपिक संघ के लीडर्स के से मिलने आए हैं। मेरा अनुरोध है विजेंद्र जी, कभी अवसर मिल पाए तो किसी टूर्नामेंट में भी छत्तीसगढ़ आइए, आपको बहुत आनंद आएगा। आप को हम प्रयास करेंगे नवंबर दिसंबर में आपके पास सूचना भेजेंगे, कि गुरचरण भैया ही आपको सूचना देंगे अभी जो आपके कान में बता रहे हैं बातों को। तो आपसे मेरे बेहद प्रिय भलाई क्षेत्र के विधायक, भविष्य की बड़ी संभावना देवेंद्र यादव जी, परिवार का हिस्सा, और जिनके प्रयासों के चलते हम सब यहाँ मौजूद रहे हो जाते हैं ऐसे आयोजनों में, ऐसे हम सबके बेहद प्रिय भाई गुरचरण होरा जी, और वस्तुतः जिनके लिए हम सब आज यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहचान बने भाई विजेंद्र सिंह जी, और इस आयोजन को गरिमा प्रदान करने के लिए मौजूद आप सभी प्रबुद्ध जन, निश्चित रूप से हम सबके लिए आज का दिन बड़ा आनंद का दिन है। आनंद का दिन इसलिए है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, हमें हमेशा हीरो की तलाश रहती है, हम हमेशा हीरो खोजते रहते हैं। और जब ये फिल्मों का दौर आया तो हमने फिल्म पर दिखने वाले नायकों में ही अपनी कल्पनाओं के हीरो को देखा। मुक्केबाजी हम लोगों को बड़ी प्रिय रही तो हमने सनी देओल को ही असल मुक्केबाज मान लिया, उसके 2.5 किलो हाथ को ही असल हाथ मान लिया। वो तो बाद में किस्मत से विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आए तो पता चला कि 2.5 किलो का हाथ होता क्या है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई विजेंद्र सिंह जी का सम्मान करें। एक फिल्मी हीरो से रियल हीरो तक की यात्रा अपने जीवन में देखने का सौभाग्य विजेंद्र सिंह जी आपके माध्यम से हम लोगों को हुआ, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि यात्रा आप तक ही रुकनी नहीं चाहिए। आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से हम सबको गर्वित करती हैं, पर यह अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होनी चाहिए। आपके जीवन की एक बड़ी सफलता रही कि आपने ओलंपिक में पदक जीता, लेकिन इससे भी बड़ी सफलता आपके जीवन की तब होगी जब आप ऐसे कुछ खिलाड़ी आने वाले समय के लिए हमारे बीच में तैयार करके दें जो इस पदकों के सिलसिले को लगातार बनाकर रख पाए। और ओलंपिक संघ जैसे संगठन की यह भूमिका होनी चाहिए तो विजेंद्र सिंह की इन कोशिशों में सहभागी बने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य में सफल होंगे, और आपके माध्यम से मुक्केबाजी में जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो आने वाले सालों में अनवरत जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आयोजन में मुझे बुलाया और मुझे सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे CM साहब भूपेश बघेल जी का, जो यहाँ हम आए और हमारा बॉक्सिंग का जो मुकाबला है वो
अगले दो महीने में यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़ में होगा। और इतने शॉर्ट नोटिस पे गुरुचरण भाई ने इतना अच्छा इवेंट कर दिया है, ना काबिले तारीफ है, नो डाउट। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। हिमांशु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, इन्होंने कहा कि आपने ओलंपिक मेडल मिल गया आपको, भाई हमने जीत लिया, लेकिन जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनको आप ओलंपिक मेडल देके जाएंगे तो और खुशी होगी। हम भी यही चाहते हैं हिमांशु जी, और हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमने सीखा है हम अपने आने वाली नस्लों को सिखा के जाएं, उनको बताएं कि क्या बॉक्सिंग होती है, कैसे ओलंपिक मेडल जीता जाता है। तो हमारा 100% प्रयास यही रहता है। अभी हमने पोर्टफोलियो बना के दिए थे कि बॉक्सिंग अकेडमीज का, तो उसके सिलसिले में एशियन साहब से मुलाकात हुई, उनसे विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हुई कि बॉक्सिंग की एक अच्छी बॉक्सिंग अकेडमी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लोग जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग देख के बॉक्सिंग से अट्रैक्ट होंगे तो वो आके बॉक्सिंग कर सके, तो इस तरह का एक प्रस्ताव दिया है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो अभी आई होप कि वो इसको एक अहम कहते हैं कि जिम्मेदारी मानेंगे और इसको यहाँ पे लागू करेंगे। और भाई देवेंद्र भाई हमारे युवा नेता हैं और यंग एमएलए हैं, देवेंद्र यादव हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, जो दिल्ली का दिल्ली के, तो हम उनके इलेक्शन में गए थे, जब मेरे को लगा कि देवेंद्र यादव में चलो हमारे दोस्त आ गए यहाँ पे, तो बट देवेंद्र यादव जी बहुत यंग हैं, वो बहुत सीनियर नेता है हमारी पार्टी के। तो आप सबके बीच में आज आने का सिर्फ मकसद एक था कि आज हमारे मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करना, उनको प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में बताना और प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मुकाबला रायपुर में करना जो कि अगले दो महीने में हो जाएगा, एग्जैक्ट डेट आपको बता दी जाएगी। और जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ के, स्पेशली जो रूरल एरियाज है यहाँ के, जो गांव के लोग बोलते हैं, बिकॉज अभी हरियाणा में तो स्पोर्ट्स बहुत नेक्स्ट लेवल पर चला गया, तो मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के स्पोर्ट्स को भी कहते हैं उस ऊंचाइयों पर लेके जाए जहां ओलंपिक मेडल लाना एक छोटी सी बात हो गई। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई होती है, यहाँ भी भिवानी का कितने मेडल आए ओलंपिक में, अच्छा जी एक मेडल आया, रोहतक के कितने आए, ऐसे बातें होती हैं। तो हम चाहते हैं इस तरह का कंपटीशन पूरे देश में हो। आप बड़े बड़े सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हैं यहाँ पे, मुझसे तो बहुत काफी सीनियर हैं, लेकिन संघर्ष आपने भी किया है, आप भी अपनी टाइम पे कहते हैं कि बहुत अच्छे प्लेयर थे रहे होंगे, तो आप भी अपनी तरफ से इस प्रयास को ले रखें कि भैया हाँ हमें आने वाले नस्लों को बताना है कि ओलंपिक मेडल कैसे लिया जाएगा। नो बहुत सारी चीजों में कमियां होती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में कमियां होती हैं, मेडिकल में कमियां होती हैं, सब तरह की होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को कहते दरकिनार करके हम ओलंपिक मेडल तक कैसे पहुंचे, ये अहम है, ये जरूरी है। ओलंपिक इसलिए कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, इसलिए ओलंपिक की नज़र सब पर रहती है। और हमारे जैसे स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग और दूसरे रेसलिंग, तो भैया इससे हमारा पैसा सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स से बनता, बाकी तो लोग पूछते हैं कोई भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।